चाहूंगा सबसे पहले तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले इनका चैनल सब्सक्राइब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और व्यूज दिए जाए। हमारे उधर करीन रिक्शे वाला है भाई, तुमने ताकत खत्म हो गई लेकिन जोर लगाएंगे और फिर ये कहां से आएंगे। जब रमजान शुरू हो जाता है ना तो रमजान में भी काफी दिन है लेकिन रोड पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि यार। कितने टाइम से आप निकले हो? 3 घंटा हो गया कोरंगी से आ रहा हूँ। कोरंगी से आते हुए 3 घंटा हो गया। तो 3 घंटे से मनान भाई भी फंसे हैं और आज अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक मजे में होंगे। तो आज व्लॉग बनाने जा रहे हैं और निकले हैं हम दोपहर से निकले हैं रोडों पे, इतना ट्रैफिक जाम कि भाई हमारा तो सर में दर्द हो गया। तो अभी मुश्किल से एक सवारी, लोकल सवारी हम बहुत कम उठाते हैं भाई, एक लोकल सवारी मिली 100 रुपए वाली, उसको ड्रॉप किया और किस तरह ड्रॉप किया, 100 रुपए की सवारी थी और 150 रुपए का तो हमारा नुकसान हो गया क्योंकि इसमें ऑयल गैस जलता है और जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो ये चीजें जलती है, टाइम भी खराब होता है। तो रमजान में अब रह गए दिन कुछ कम, तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं और ये ट्रैफिक का जो आज हमारे तो भाई सर में दर्द हो गई है। ट्रैफिक इतना जाम है। शहीद मंजिल पे मैंने एक सवारी ड्रॉप की और शहीद मंजिल से किस तरह मैं निकला हूँ, वहां से निकला हूँ और आप जाते हैं बंदर रोड पे क्या सिचुएशन है। ये आज के जो व्लॉग है ना वो हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाएंगे कि कराची में इस वक्त किस किस सड़क पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक लाजमी कीजिए। तो आइए चलते हैं बंदर रोड और हमें जाना है टावर। ये शहीद मंजिल से जमा कला जाने वाला रोड और मुकम्मल तौर पे जाम, इस वक्त रमजान से पहले ही रमजान बना हुआ है भाई, ट्रैफिक बहुत ही जाम हो रहा है, आप देख सकते हो। टोटल ट्रैफिक जाम पड़ा है, शायद टावर तक जाम पड़ा है और इस वक्त हम मौजूद है रेडियो पाकिस्तान के सामने, रेडियो पाकिस्तान स्टेशन। लेकिन मुश्किल है भाई हम यहाँ से निकल पाए, ये पीछे भी ट्रैफिक बहुत जाम था शहीद मंजिल पे और आज ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा का पूरा कराची शहर रोडों पे उमड़ आया है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, गलियों से ही निकालना पड़ेगा। बहादुर शाह मार्केट उर्दू बाजार से होते हुए निकलेंगे क्योंकि रोड बहुत ही जाम पड़ा। बंदर रोड से तो आगे चलना बहुत मुश्किल था और ट्रैफिक बहुत ही जाम था, तो हम गलियों से आए और इस वक्त हम बंस रोड पे पहुंच चुके हैं। बंस रोड पे माशाल्लाह बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ, यहाँ से जाएंगे टावर और टावर से अगर माल रखेंगे तो चलते हैं। आपको पहले ये बंस रोड के नज़ारे दिखा देते हैं कि देखिए माशाल्लाह ये बंस रोड का फुल स्पीड है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक वोटिक जाम नहीं है, तो इसी रोड से आगे जाने वाले हैं। आपके लिए व्लॉग भी बना रहे और रिक्शा भी चला रहे, ये फुल स्पीड कराची का बहुत बड़ा फुल स्पीड। पहुंच चुके हैं पाकिस्तान चौक क्योंकि ये रोड थोड़ा यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव कम होता है। ये पाकिस्तान चौक की सुरंगी, यहाँ से जाएंगे, ये रोड जा रहा है हल्कानी चौक की तरफ। ये हिसाब बंद दबाव हमेशा रश लेती है, हल्कानी चौक के तरफ जा रहे हैं, रोड की हल्का पुल्का जाम हो रहा है। हल्कानी चौक पहुंच चुके हैं, हल्कानी चौक है पाकिस्तान रोड से सामने सामने आपको बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, हल्कानी चौक की चौरंगी राउंड अराउंड। Thank you.
अभी मैं थोड़ा सा हम बाहर के रोडों से डर रहे थे और यहाँ तो छोटा सा रोड है वो भी इन्होंने जाम किया हुआ है। क्या करें, गाड़ी बंद करके बैठे हुए देखते हैं कब निकलते हैं। बी बैंक प्लाजा और यूबीएल बैंक के बैक साइड पे खड़े हैं, काफ़ी देर हो गई है, पता नहीं कब। यार जब रमज़ान शुरू हो जाता है ना तो रमज़ान में तो अभी काफ़ी दिन है, लेकिन रोड पे इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है कि यार हम तो रुल जाते हैं और हर गाड़ी वाला रुल जाता है, ट्रैफिक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी अब मैं आप देख सकते हो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ लेकिन अभी भी गाड़ी हिल नहीं रही, तो देखते हैं कब तक यहाँ से निकलते हैं। दुआ करें भाई जल्द से जल्द निकल जाए ताकि आगे पार्टी के भी फ़ोन आ रहा है, पहले फ़ोन आया हुआ है, पहुँचते हैं कपड़ा मार्केट वहाँ से माल उठाएंगे। कल हम मार्केट पे पहुंचे तो यहाँ भी ट्रैफिक जाम हो रहा है जी भाईजान, ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा है। मनान भाई भी हमारे साथ बहुत जाम है भाईजान। कितने टाइम से आप निकले हो? 3 घंटा हो गया कोरंगी से आ रहा हूँ। कोरंगी से आते हुए 3 घंटा हो गया, तो 3 घंटे से मनान भाई भी फंसे हैं और आज ट्रैफिक क्यों जाम है? रमजान करीब आ रहा है, आज जब रमजान करीब आता है तो भाई ऐसे हो जाते हैं, कराची की हर सड़क जाम हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं, अपने स्टॉप पे जाने के लिए तो काफी टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, आधा घंटा यहाँ से लगेगा। चलो अल्लाह खैर करे। मैं नूर भाई से मिलने के लिए, ये नूर खान रिक्शे वाला, ये भाई का चैनल का नाम है नूर खान रिक्शे वाला, है ना? तो ये आप इसका चैनल भी सब्सक्राइब करो, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो भाई, बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। ये हमारे भाई का माशाल्लाह से रिक्शा है और ये लोडिंग का काम है। नूर भाई एक दफा हाथ दिला देना। जी जी भाई, बिल्कुल भाई। अच्छा अच्छा, कैसा है? खैरियत से? ऐसा ये हमारे उधर तरीन रिक्शे वाला है भाई, तुमने ताकत खत्म हो गई लेकिन जोर लगाएंगे और फिर ये कांसेंगे। इससे अच्छा है कि भाई आप जोर ना लगाएं। सही है, वाश हो वाश हो। चले ये व्लॉग हम यहाँ पे फिलहाल स्टॉप करते हैं, बाकी हम आगे व्लॉग बनाएंगे। तो भाई 1.5 घंटे के मुसलसल जदोजहद के बाद मार्केट पहुँच चुके हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त मिल चुके हैं हुज़ैफ़ा, इनका भी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। तो ये हमारे साथ अभी इन्होंने हेल्प भी की है, रिक्शे में माल भी रखा है और आप देख सकते हो माल में रख चुका हूँ, आप इंशाल्लाह निकलने वाले। हुज़ैफ़ा भाई आप क्या बोलोगे? यार मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले इनका चैनल सब्सक्राइब किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और व्यूज दिए जाए और हमारी मदद की जाए। और मैंने भी अपना व्लॉगिंग चैनल बनाया है और बड़ी मेहरबानी होगी आप सबसे दरख्वास्त है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी रिहाइश इसी इलाके में और मैं आपको बता सकता हूँ कि दिन में बहुत बुरा हाल होता है। इस पर भाई ने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिक जाम है 1.5 घंटे से, हम लियारी से यहाँ आते आते हमारा तकरीबन आधा घंटा लग गया है। ये बॉर्डर मार्केट आप देख सकते हो, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है और हमें आधा घंटा लगा है। क्या कर सकते हैं, कराची का हालात ऐसा है।
ये जब भी रमजान करीब आता है ना यही होता है। अब तो और मजीद जितना रमजान करीब होता जाएगा ना तो ये ज्यादा रश और ज्यादा मार्केट में आप रश देखते जाएंगे। ऐसा रश होगा कि आपको कदम रखने का जगह नहीं मिलेगा माशा से, इतना शदीद किस्म का रश होता है। और ये मुल्क का हालात देख सकते हैं आप, कमाई है नहीं, रोजगार है नहीं मार्केट, लेकिन रश 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 बहुत है। आप दुकानदार से आपको मैं व्यूज भी करवाऊंगा, रिव्यू लूंगा, दुकानदार बोलेंगे भाई मार्केट में काम नहीं है, ठंडा है, काम कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन आप मार्केट का रश देख सकते हैं, ट्रैफिक जाम देख सकते हैं, कितना ट्रैफिक जाम है और कितना लोग है, कितना चहल पहल है, उसके बावजूद दुकानदार रोता है कि भाई हमारे पास कारोबार नहीं है। क्या शुक्रिया उजैपा भाई, तो अभी चलते हैं, माल वाल तो रख दिया है। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर के साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।